मैं दिसंबर 2019 से 4 अप्रैल 2021 तक कार्यरत रहा हूँ। इसी के दौरान घोटाले हुए हैं और हमारे ऊपर प्रेशर था। मेरी शिकायत में भी स्पष्ट है, वो शिकायत जांच के अधीन है SDM महोदय के। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि बिना काम हुए बिल बनाने का प्रेशर सीनियर अधिकारी कर रहे हैं। मैंने उसमें मना कर दिया था, जिसके कारण फिर मैं इन्होंने मुझे अपना टारगेट किया और टारगेट के दौरान इन्होंने मुझे नहीं। प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं, इसका एक उदाहरण कैथल के नगर परिषद कार्यालय में देखने को मिला, जहां स्ट्रीट लाइट के बिलों को लेकर लाखों रुपए का स्कैम हुआ है। सूबे की सरकार तो पारदर्शिता को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। नगर परिषद में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रहे अरुण कुमार ने अपने ही विभाग के उच्च विभाग के अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया है कि नगर परिषद में स्ट्रीट लाइटों में रखरखाव को लेकर दो फर्मों ने विभाग के साथ लाखों रुपए का घोटाला किया है। मैंने एज ए लाइट इंस्पेक्टर नगर परिषद कैथल में कार्यरत था, मैं जो कि एक साजिश का शिकार हुआ हूं। नगर परिषद में कार्य के दौरान जो जिन अफसरों के साथ मैं काम कर रहा था, उस दौरान हमारे यहाँ दो एजेंसियाँ शहर में जो स्ट्रीट लाइटें हैं जो व्यापक एरिया में फैली हुई थी, उनका रखरखाव का कार्य देख रही थी, जो कि नाम की एजेंसी थी, और सारे का सारा काम जितना भी रिपेयर का होता था वो कार्यालय आधार पर होता था। लेकिन जनवरी 2021 में चेयरपर्सन हिमांशु लाटका के ऑफिस में कुछ व्यक्ति बैठे थे जो अपने आप को ठेकेदार कह रहे थे और जो लेटर पैड लिए हुए थे और उस पर लाइटों की संख्या विवरण दिया हुआ था। लाइटों की संख्या अलग अलग थी, अलग अलग उसमें कोई सोडियम थी, कोई CFL थी, ऐसे लाइटों की संख्या थी। तो मुझे बुलाया गया, हिमांशु लाटका ने एक फाइल मुझे दी कि आप इस पर साइन करो। मैंने उनको बोला, सर इसका कोई आधार नहीं है हमारे कार्यालय के हिसाब से, ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना इनका कोई रखरखाव का रिकॉर्ड है। उस दौरान हमारी बहस हुई, मैंने लिखित में शिकायत उस समय के DC अपने सुजान सिंह जी और EO अशोक कुमार जी और DMC साहब उनको मैंने लिखित में शिकायत दे दी थी कि सर आज कार्य के दौरान मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। उस शिकायत पे कार्रवाई चल रही है और SDM महोदय के वो शिकायत जांच के अधीन है। लेकिन अलग से शिकायत एक शहरवासी ने लगाई थी, उसमें भी सेम शिकायत थी। उसमें वो बात साबित होगी जो उसमें जांच के दौरान तथ्य पाए गए, नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने जो तथ्य उसके सामने दिए वो बिल ना होकर केवल लेटर पैड मात्र हैं, और लेटर पैड केवल अपनी कोटेशन के लिए या अपना किसी काम के ब्रीफ के लिए दिया जाता है। बिल जो एक बिल का फॉर्मेट होता है जिसमें सेंटर GST स्टेट GST होता है और जो अपने काम का कितना काम किस फर्म ने किया है उसकी क्या कीमत बनती है, कितना अमाउंट बना, उसके बाद GST काउंट होता है। ऐसे वो बिल नहीं पाए गए, केवल लेटर पैड को आधार बना के जिसपे सिर्फ लाइटों का विवरण है और उसको आधार बना के, और वो बिल भी जो 6 महीने अधिकारी रहे यहाँ नगर परिषद का पूरा स्टाफ था, सीनियर थे अधिकारी थे जो EO ME सेक्रेटरी, उनके ट्रांसफर के बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया। और इसमें मार्च 2021 में हाउस की मीटिंग थी, वहाँ ये मुद्दा उठा, पार्षदों को शिकायत के बाद विश्वास हुआ, वहाँ पार्षदों ने मुझे बात रखने के लिए बोला था। हाउस की मीटिंग का पुराना सारा मीडिया के माध्यम से भी शहरवासियों के सामने आया था। हाउस की मीटिंग में भी वो बिल ना पाकर लेटर पैड ही मिली, जिसका मैंने विरोध किया था और जिसके कारण एक साजिश के तहत मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और आज के कुछ बिल थे और कितने वो इन्होंने रख रखाव के नाम पे 54 लाख रुपये की पेमेंट, 54 लाख रुपए की राशि दो फर्मों का नाम लेके मिली भगत करके फर्मों को दी हुई है, और जिसमें अगर हम जांच करेंगे उसके काम का आज भी कोई आधार नहीं है नगर परिषद के पास, एक दिन का भी रिकॉर्ड नहीं है रिपेयर का, क्योंकि रिपेयर और रखरखाव का ये काम होता है। अगर कोई भी व्यक्ति रखरखाव का काम करता है शहर में, प्रतिदिन शिकायतें आती हैं, महीने में वो शिकायतें काउंट होती हैं, कितनी शिकायत उसने रिपेयर करी, कितनी रह गई हैं और टोटल लाइटें शहर में कितनी, उस आधार पर बिल बनते हैं। ऐसी कोई भी प्रक्रिया लेटर पैड में नहीं है। आप कब से कब तक काम कर रहे थे नगर परिषद? मैं दिसंबर 2019 से 4 अप्रैल 2021 तक कार्यरत रहा हूँ। तो इसी के दौरान जो घोटाले हुए, वो इसी की बात कर रहे हैं, उससे पहले इसी के दौरान घोटाले हुए हैं और हमारे ऊपर प्रेशर था। मेरी शिकायत में भी स्पष्ट है, वो शिकायत जांच के अधीन है SDM महोदय के। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि बिना काम हुए बिल बनाने का प्रेशर सीनियर अधिकारी कर रहे हैं। मैंने उसमें मना कर दिया था, जिसके कारण फिर मैं इन्होंने मुझे अपना टारगेट किया और टारगेट के दौरान इन्होंने मुझे निकाला। पीड़ित अरुण ने जब नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में आवाज उठाई तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर नगर परिषद के EO से बात की गई, तो उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
इस बारे शिकायत की गई थी, एडीसी साहब द्वारा इंक्वायरी की गई थी। एडीसी साहब की इंक्वायरी में ये बात सामने आई है कि उसमें रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और उस वजह से कौन कौन इसमें दोषी हैं ये क्लियर नहीं है। अब ये रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें नाम मांगे गए हैं। अभी विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन कौन दोषी है। वो मैंने जो रिपोर्ट है नीचे एमी सुमित को दे दी है कि एक बार पूरे रिकॉर्ड को एग्जामिन करके बताए। ज़रूरत है तो उच्च अधिकारी उसमें जांच करेंगे और ज़रूर कोई उसमें क्लियर हुआ तो मैं अपनी रिपोर्ट उसमें भेज दूँगा। देखो उसमें रिकॉर्ड के मुताबिक जब नाम देने हैं तो 3-4 दिन का वर्किंग डे का टाइम चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से बिजी होने की वजह से हम 3 दिन में नहीं भेज पाए और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी इस मामले में जांच पड़ताल करके उनके नाम भेज दूँगा। नगर परिषद आयुक्त द्वारा नगर परिषद के ईओ को 2 बार पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारी ने बताया कि उनको ये पत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वह थोड़े व्यस्त हैं और इसी हफ्ते अधिकारियों के नाम उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। प्रदेश में नगर परिषद कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कैथल नगर परिषद में स्ट्रीट लाइटों को रख रखाव और बिलों में हुए लाखों रुपए के घोटालों को लेकर विभाग कब तक दोषी अधिकारियों के नाम उच्च अधिकारियों के पास भेजे जाते हैं और कब तक उच्च अधिकारी द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी, ये तो समय ही बता पाएगा। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।